नमस्कार। ओम सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा जी के आशीर्वाद से मैं आपके सम्मुख आकर आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैं हैदराबाद का निवासी हूँ। मैं मेरा नाम है अलवेकर बालकृष्ण और मेरा प्रोफेशन है एडवोकेसी। मैं हैदराबाद के तेलंगाना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और बॉम्बे हाईकोर्ट में भी करता हूँ। ये मेरा पर्सनल एज ए प्रोफेशनल फ्रंट में। बट यहाँ पर जब आया हूँ मैं, तो जो भी कुछ बनाया बाबा ने बनाया है और मैं ये बात बताना चाहूँगा कि जब भी साई चरित्र पढ़ते हैं देखते हैं तो हमें वो पूरे कैरेक्टर्स जितने भी हैं वो पूरे हमें दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि हम भी उनके साथ में उठ रहे बैठ रहे हैं। और जब भी हम शिरडी आते हैं तो मुझे प्रति बार हर टाइम में ऐसा लगता है कि साई बाबा जब एक दीवार पे से खड़े रहते हैं ना, ऐसे दीवार को खड़े रह के उसके छतरी पकड़े हुए रहते हैं पीछे और उन्होंने पैर ही कर रहे स्वयं, ऐसा लगता है कि वो मेरे फिर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं कब आएगा फिर दर्शन के लिए। जब भी वो आता है तो मुझे पता चलता है कि एक उन्होंने एक संकेत दिया है मुझे कि मैं उन्हें आके दर्शन करने आना है। पता नहीं वो क्यों बुलाते क्या बुलाते हैं, बट जब भी मैं आता हूँ जाता हूँ तो उनके द्वारा जितने भक्तों का उन्होंने उद्धार किया है, उन्हें खुश रखा है, उनके मनोकामनाएं पूरी की है, उन लोगों से मेरे बातचीत होती रहती है। जैसे कि हम बात करते एक दूसरे के साथ में, ट्रेन में आते हैं, बस में आते हैं, कार में आते हैं, जिधर भी मिलते हैं कोई मिलते हैं, तो हर एक किसी ने अपना अपना जो अनुभूति जो बताई है बाबा के साथ में की, बहुत ही अपार है। आज हमने देखा है कि जितने वृद्ध लोग हैं, जो 40-45 के ऊपर लोग हैं, तो उनको साई बाबा ने बहुत ही अच्छी तरह संभाल कर रखा है। वो बोलते हैं कि उनके शरण में रहने की वजह से हमारे बच्चे भी अच्छे हैं, सुसंस्कारित है, सब कुछ है। तो ये जो एक डिसिप्लिन जो लोगों को आया है बाबा के, खुद को उन्होंने बाबा को अर्पण किया है, तो जो भी बात बाबा ने बताई है वो बाबा की बात समझ के बच्चों को वही पढ़ाया है, वही किया है, और उनको बाबा ने हरदम उनको एक मार्गदर्शन दिया। सो ये है आदमी के अंदर की जो चेतना है वो अगर बाबा के साथ में जब एकजुट होती है तभी आपको संकेत मिलते हैं। जैसे सिम कार्ड है वो टावर है या सर्विस प्रोवाइडर है, जब तक नहीं जुड़ेंगे आपको पता नहीं चलेंगे इसमें से। ये मैं बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ मैं कि 40 साल पहले जब दिलसुख नगर में शिरडी साई बाबा का मंदिर स्थापन हो रहा था, मैं छोटा था, तब मेरे अंकल थे जो वहाँ पर पुजारी थे, मुझे पता नहीं था, वो बोले चल जाएंगे मंदिर में पूजा करना है, उनके साथ में चले गया था। उस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी भगवान की। अब देखिए पहले दिन जब उनका वहाँ पर बैठे हैं भगवान सबके लिए, मतलब आशीर्वाद देने के लिए आके बैठे हैं, उतने जो लोग हैं उनके भक्त हैं उनके भक्तों के नज़दीक आने के, ये मंदिर साई बाबा के शिरडी से निकल के अपने गांव तक शहरों तक किस लिए आए, वो आपके नज़दीक आने के ही एक परम उनकी कल्पना भी कर सकते आप, या उनका मानसिक जो बात है कि साई बाबा हम उतना दूर नहीं आ सकते, हमें आपको यहीं पर दर्शन करना है, तो इसलिए वो हर जगह पर आके विराजमान हुए स्वयं। तो वहाँ पर जब उन्होंने विराजमान हो गए, मुझे पता नहीं था साई बाबा का इतना दयालु है, बल्कि साई बाबा इतने दयालु हैं और सभी को इतना अपने प्रेम देते हैं, नज़दीक करते हैं, उन्हें जब भी संकट में वो आके ताड़ लेते हैं। ये साई चरित्र में जितने भी आपने कैरेक्टर्स देखा है, जो जो उन्होंने प्रसंग दिखाए सो है, वो प्रसंग तो उस काल के है, बट आज 100 साल के ऊपर हो गया है। साई बाबा 105 साल हुए बट आज भी साई बाबा यहीं पर ही है। पहले शिरडी में दिखा करते थे पहले, अभी तो संसार में दिखने लगे हैं। ऐसा कोई नहीं जहाँ से साई बाबा को उन्होंने पुकारा नहीं है, साई बाबा ने उनको जाके हेल्प नहीं किया, उनके संकट दूर नहीं किया। बट इतना है, अटूट श्रद्धा रहनी चाहिए और सबूरी, मतलब जो तुमने बोला है कुछ काम होने के लिए, एक कुछ जो आपने पूछा है जो भगवान को भी पता नहीं था कि आपने ये पूछने वाले हैं, बल्कि फॉर एग्जाम्पल आपके मन में इच्छा हो गई है, आपने पूछ दिया भगवान को, फिर भगवान को उत्तरदायित्व बनता है कि आपको उसको कंप्लीट करें, आपको सुख रखें, खुश रखें। बट वही देते हैं भगवान जो आपको लिए और आपके लिए आपके परिवार के लिए अच्छा है। आप कुछ भी पूछेंगे आपको मिलने वाला नहीं है। उन्होंने उनको देख के हमने क्या सीखा है, वो है फकीर साहब, गुरुजी है फकीर है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। जब भी देखा हमने, अभी भी देखा, उनके आज भी कपड़े देखिए आप, कहने के फटे हुए दिखाई देते अपन को, उन्होंने किसी चीज़ का मोह दिखाया नहीं है। हम लोग मंदिर में आते हैं तो कैसे कैसे कपड़े पहन के आते हैं, तो यहाँ पर क्या दिखावा अलग है, अंदर मन से भगवान को कनेक्टेड है, मतलब भगवान बुलाते आप आते हैं। बट यहाँ पर जब भी आते हैं ना, अच्छा पोशाक पहन के आइए, भारतीयता लेकर आइए। देखिए जब साई बाबा थे वो कौन से कपड़े लोगों डाल के पहन घूमते थे, उनको देख रहे थे कितना अच्छा लगता है वहाँ पर से।
और ये भारत भूमि है, उसमें महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में तो ये तो संतों की भूमि है, इट इज़ द कैपिटल ऑफ संत महात्माओं की। हर क्षेत्र में उन्होंने करके दिखाया। इसके जो पुण्य है, वारकरी संप्रदाय देखिएगा, भगवान के पास देखिएगा कैसे घूमते हैं, कैसे जाते हैं, लोग इतने ध्यानमग्न रहते हैं, उनको अपने आप को उन्होंने कैसे सरेंडर किया है। जब तक भगवान को अपने शरण में जाते नहीं भगवान के, हम खुद को अर्पण नहीं करते जब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और मेरे को बिना पता है, मेरे को बचपन में मेरे को भगवान के साक्षात करोगे, वहाँ बिठा के उन्होंने पूजा करवाया, तो मुझे पता नहीं चला कि भगवान मुझे ऐसा लग रहा है कि साक्षात दिख रहे हैं मुझे ऐसे, बट मुझे पता नहीं था क्यों ऐसे दिख रहे मुझे। वैसे हो गया, फिर बाद में शिवम रोड के पास और एक जो शिरडी साहब का मंदिर था, वहाँ पर भी ऐसे बुलावा आया था मेरे को, और मामा रहते थे उनके घर पे, और गया तो वो बोले चलेंगे, वहाँ पर ही जाना हो गया, तो वहाँ पर ही दर्शन हो गया, वहाँ पर भी भगवान का प्राण प्रतिष्ठा था। तो मैंने बोला ऐसे मेरे साथ में क्यों हो रहा है, तब मैंने देखा कि जितने भी साईं बाबा के भक्त हैं उनसे, अब जैसे हमने साई चरित्र में पढ़ा है, वो जो बुक्स में लिखा है वो सत्य कल्पना है, सत्य घटना है, सब कुछ है, कल्पना नहीं है, सत्यता ही है पूर्णता। तो बट हम कल्पना कर सकते हैं कि क्या है। और जब मैं श्रद्धा की बात कर रहा हूँ, मैं बात करूँगा सबूरी की। सबूरी मतलब क्या, हमें पेशेंस रहना है, हमने पूछा होना ऐसे नहीं है ना, हर चीज़ को, इवन छोटे से पौधे को भी बीज डालने से उसको पूरा फल आने तक टाइम लगता है, बट अटूट उसके पीछे अपने निरंतर सेवा करना रहता है, पानी डालो जो भी उसको देखना है, तो हमने वो करना है। तो अपनी श्रद्धा भगवान से, भगवान में अटूट रखनी चाहिए। और मेरे खुद का जो एक्सपीरियंस है, आज मैं यहाँ तक आया हूँ, मैं यहाँ पर से कल, तो मैं अभी रिसेंटली जहाँ पर ही जाता हूँ भगवान को नमस्कार कर जाता हूँ मैं, तो साक्षात भगवान मेरे साथ में दिखते हैं। अभी देखो मेरे आंग में पूरे ऐसे एक कंपन आने लग जाती है मुझे, करण देखिए पूरा 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 ऐसे पूरा शरीर में पूरा ऐसे एक कंपन आ जाती है पूरे, क्यों बोलता हूँ वो है ऐसे लगता है कि, और मुझे तो कभी भी उनको उन्होंने छोड़ा नहीं है, और मैंने उनको जब भी देखा है, फोटो में देखा है, किधर भी देखा है, बट जब आंख खोलता हूँ मैं तो मुझे सिर्फ द्वारका में मिल जाते, यहाँ पर दिखते हैं, और उनके जो नज़रें हैं वो ऐसे दिखते हैं, उनके बैठे हैं वहाँ से उन्होंने लेफ्ट साइड दिखते हैं। तो देखिए तो कितना अच्छा लगता है कि उनकी आँखें अपनी को दिखते रहे, हमारे लिए वेट कर रहे हैं। और मेरी जो आकांक्षा आशा सब है कि हमने देखा कि जब फकीर के पास इतना सब कुछ देने के लिए है, तो फिर वो फकीर कैसे है? अगर हमारे पास उनसे उनके पास से लेने के लिए बहुत कुछ है, तो फिर हम उनके लिए भक्ति क्यों नहीं करें? जब उनकी भक्ति करेंगे बस ये जीवन तर जाएगा यहाँ से। जैसे उन्होंने समाधि ली, वैसे अपने भी समाधि प्राप्त होगी। जय श्री साई राम, साई बाबा की जय हो। और मैं ये बात बताना चाहूँगा, आज भी जब यहाँ पर मंदिर में आया था, इतना प्रसन्नचित्त वातावरण था, ऐसे मानो कि भगवान है ना, आरती दोपहर 12 बजे की आरती पे मैं बाहर खड़े रह के देख रहा था, भगवान को देख रहा था, कितना अच्छा लग रहा था। ये ऐसा नहीं है कि आप अपने घर से देखे तो यहाँ पर शिरडी में नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको आपके आत्मा से जब उन्होंने जोड़ लिया आपको, आप कहीं भी रहिए आप शिरडी में ही है, आप शिरडी में ही है और शिरडी में रहिए। मैं 2004 में मैंने देखा कि बहुत सारे कोर्ट में लोग केसेस जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे, घूम रहे, दोस्तों के साथ भी जा रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं, तब मुझे पता चला कि जो बहुत लंबित होते थे पूरे काम, पूरे बहुत लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। और फिर बाद में बहुत सारे देखा कि वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है या किसी की आपूर्ति नहीं है, किसी बराबर नहीं है या कुछ भी आगे पीछे है, तो उन्होंने देखा कि लंबे चले आ रहे हैं और एडवोकेट्स भी क्या टाइम पे टाइम ले रहे, डेट पे डेट ले रहे, सब कुछ कर रहे हैं। तो मैंने बाबा जी से पूछा कि भाई ये जो चल रहा है तो इसे ठीक करने के लिए क्या करना है, तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। तब फिर मैंने LLB किया मैंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, उसके बाद में फिर मैंने अभी देखा कि और आगे बढ़ना है, आगे पढ़ना है, तो मैंने LLM किया मैंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, PG कॉलेज ऑफ लॉ से। तो ये हो रहा है इसलिए कि जो लोग कोर्ट कचहरियों में घूम घूम के परेशान हो रहे हैं, उनको क्या है ऑन द स्पॉट और जल्दी जल्दी प्रॉब्लम्स में से दूर निकलना, ऐसा बोल के आते हैं। बट हम समझाते हैं उनको कि एक ध्यान भी कीजिएगा, भगवान नाम स्मरण भी कीजिएगा, और वो आपको रास्ता दिखाएंगे और हमें भी बताएंगे क्या करना चाहिए। और इससे बहुत सारे लोगों के काम तुरंत होते हैं। कभी कभी जो लंबित केसेस है, 3-3, 2-2, 4-4, 10 साल ऐसे, वैसे लोग भी आने लगे। फिर हम पूरा अध्ययन करके, घर अध्ययन करके वहाँ पर देखते हैं कि कौन से विषय पर बातचीत चल रही है, कौन से विषय पर नहीं चल रही है, कौन से विषय पर अननेसरी डॉक्यूमेंट डाले हुए हैं जिससे वो डिफरेंट इधर उधर जा रहे हैं पूरे, तो उसके लिए उसको निकाल देके सब कुछ करके मेन मुद्दा क्या है वो सामने लेकर आके रख लेके जज को फिर साले से लिखा दे के उनको उसी पर कार्रवाई करने लगा रहे हैं। तो उसके लोगों का जो जीवन का जो टाइम है ना, जो वेस्ट हो रहा है कोर्ट में घूम के,
वो भी कम करने में आसान हो गया है। और ऐसे मेरे ऐसे बहुत सारे जो हमारे तेलंगाना हाईकोर्ट में भी है, जो लोग बहुत जगह पे ऐसे भी है कि जो वृद्ध लोगों के लिए आके खड़े खुद खड़े होके फ्री में भी उनके लिए केसेस लड़ रहे हैं। पूरे साई बाबा का ही आशीर्वाद है कि इन लोगों को पूरा सन्मति दिया, सद्बुद्धि दिया उनको, और पॉइंट टू पॉइंट करके उनकी ज़िंदगी से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करवा के भले कर। जितने भी कोर्ट में केस होते सब कुछ होते हैं, सिर्फ ध्यान करना है, भगवान पे निष्ठा रखनी है और अपने एडवोकेट को भरोसा करना है, और वो जल्दी से तुरंत बाहर ले आएंगे उसको। इसके लिए मैं यही चाहूँगा कि उनके प्रेरणा से जब मैं बना हूँ मैं, तो इसकी वजह से हम जिससे लोगों की बात करते हैं वो सही चरित्र में जो लिखे जो कैरेक्टर्स हैं, अभी जो कितने कैरेक्टर्स जो हम लोगों को मिलते हैं जब उनकी शक्ल पे उनके मुख पे हम देखते हैं कि कितनी खुशी दिखती है जब साई बाबा की बात करते हैं। साई बाबा ने ये किया, साई बाबा ने वैसे किया, मुझे अभी आज एक बात किया उन्होंने बताया कि MBBS के लिए सीट चाहिए था, उन्होंने पारायण किया, उन्होंने साई बाबा चरित्र का उनके बेटे को MBBS का सीट मिल गया है, वो कितने खुश है। आज मंदिर में आए थे, किसी ने हमने संतान के लिए पूछा था, संतान को प्राप्ति हुई, संतान के लिए आए थे उन्होंने। तो ये जो है हम देख रहे, जब तक जुड़ते नहीं है बाबा के पास सब कुछ देने के लिए, अगर हम मांगेंगे नहीं उनको तो हमें उनको पता कैसे चलेगा। हम बोलते कि नहीं भगवान को सब कुछ पता है, वो देने वाला नहीं है। माँ को जैसे हम पूछते हैं खाना दो जब भी देती है, वैसे ही हम वो पूछती है, बट यहाँ पर बाबा जी पूछते हैं, हम कोई बोलते नहीं उनको, कल तो हमारे ध्यान उनके पास नहीं है। जब हमने ध्यान उनके पास करने ले जाएंगे, आप बैठिएगा, आप सच्चरित्र पढ़िएगा नहीं पढ़िएगा, सब बैठेंगे आगे बंद करके, आपके पास बाबा आ जाएंगे। आपको फीलिंग होगा, अभी भी देखिए बाबा का नाम लेते हैं मेरा बॉडी में पूरे कंपन शुरू होती है। और मैं यही चाहूँगा कि जैसे मुझे उन्होंने आदेश दिया है कि लोगों के तकलीफ कम करना कैसे करना है, तो उन्होंने मुझे बताया कि यू बी अ असिस्टेंट टू ऑल द पीपल, लिसन टू देम एज ऑफ दैट आई एम लिसनिंग, फिर मैं आपको बताऊंगा उनके लिए क्या करना है। जितने भी बाबा के भक्त हैं, सब जन जहाँ पर भी है, बहुत सारे लोग अब देखिए 70-80% से ऊपर लोग हैं ना, बहुत ही खुश है। बाकी लोगों का आधा आधा विश्वास है, आधा विश्वास नहीं है, कहीं ना कहीं आगे पीछे हो रहे, कहीं कंटिन्यूटी नहीं है, उसलिए उनको तकलीफ हो रहा है। उन्हें लगता है कि साईं बाबा क्यों, कैसे ने कुछ भी नहीं किया हमारे को। बट जब तक आप 100% उनको समर्पित नहीं करते, वो भी क्या कर पाते हैं। जैसे हम खाना पकाते हैं 10 मिनट के बाद निकालना है, तो 10 मिनट के बाद निकालना है तो पूरे पकता है, और आपने 7 मिनट पे 8 मिनट में निकाल दिया, तो उसके लिए श्रद्धा और सबूरी दो जो बताया आप उसको सिर्फ, ये तो बहुत महामंत्र ही है। ये मंत्र आप देखिएगा, देखने बाद बस आपके जीवन को काया पलट जाएंगे आपके पूरे। और ये मैंने देखा है, और ये गौ करने बाद में मैं बहुत जगह पे जाके बात करता हूँ, मैं नए छात्रों को सिखाता हूँ मैं कैसे क्या ना क्या क्या करना चाहिए, उनको ऑलवेज असिस्ट करने का देखा मैंने। बच्चे रहो, बूढ़े रहो, यंग रहो, कोई भी रहो, मेरे को जो समझ में आता है उनको मैं असिस्ट करता हूँ उनके गोल रीच करने के लिए। तो बाबा को हम क्या पूछते, बाबा मुझे ये चाहिए, तो बाबा हमें ऐसे लोगों को मिलाते हैं कि अपने गोल कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने बोला कि जब मैं बाबा का एक अनुयायी हूँ मैं, तो मैं बाबा का आदमी हूँ, तो मैं बाबा की बात को मैंने ये भी मैंने लेना है, क्योंकि तो अगर ये वो मेरे पिताजी मैं मानता हूँ उनको, तो फिर मैं उनका बेटा हूँ, तो मुझे वही काम करना चाहिए जो बाबा जी करते हैं। मांगने का नहीं है, देने का करते हैं। हम भी उनको देख के हम देना शुरू कर दिए, उसे नॉलेज अपना बढ़ाते रहते हैं, लोग उसका देना चाहिए सब देते रहते हैं। इसके लिए असीम कृपा भगवान की हमारे पर है, और सर्वत्र सदा साई बाबा हमारे साथ में है। यही अनुभूति लेके आज भी मैं कितना पुलकित होया हूँ मैं, आई एम वेरी हैप्पी। ओम श्री साई राम। आओ साई मेरे साई साई बाबा मेरे साई मेरा विश्वास।